नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वास। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लोकसभा चुनाव को लेकर AICC ने ये जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी है। नेशनल अलायंस कमेटी में उन्हें शामिल किया गया है और अशोक गहलोत के साथ साथ में भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी इस लिस्ट में शामिल है। ये पांच नाम बड़े कांग्रेस के जिन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से AICC की तरफ से सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर नेशनल अलायंस कमेटी में उन्हें शामिल किया गया है। और हमारे सहयोगी निजाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम, ये बड़ी खबर यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरीके से कांग्रेस जो है तैयारी में जुटी हुई है और इसी को लेकर महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी जो है वो अशोक गहलोत को सौंपी गई है और भी बड़े चेहरे कांग्रेस के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि जनरल इलेक्शन 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के लिए जो कन्वीनर बनाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और साथ ही उनके साथ भूपेश बघेल है, मुकुल वासनिक है, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, इन सभी पांच जो सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के, इन सभी को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि नेशनल अलायंस कमेटी के इनको सभी को कन्वीनर बनाया गया है इस कमेटी में। यानी कि अब जो है लोकसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस की ओर से एक तरीके से जो पूरा कह सकते हैं कैंपेन चलेगा या पूरे चुनाव को लेकर जो रणनीति तय होगी, उन रणनीति के लिए ये पांच लोग जो है कह सकते हैं मजबूत स्तंभ रहेंगे। तो इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी और उनके समर्थकों के लिए भी बड़ी खबर है ये कि उनको कन्वीनर जो है बनाया गया, उसमें सबसे ज्यादा पहले नंबर पे उन्हीं को तवज्जो दी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री को। तो ये एक तरह से राजस्थान कांग्रेस में भी एक तरह से स्पष्ट एक तरह संकेत है, जो माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री की राजस्थान में हार के बाद क्या जिम्मेदारी रहेगी, तो कांग्रेस ने उन्हें एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर समायोजन के लिए कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देने का एक प्लान बनाया। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर ये जिम्मेदारी बड़ी सौंपी है। और इसके साथ ही निजाम, देखिए नेशनल अलायंस कमेटी में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, अलायंस को लेकर किस तरीके से फिर आगे लोकसभा चुनाव में इन बड़े चेहरों की बड़ी भूमिका जो है वो रहने वाली है, क्या जिम्मेदारियां फिर अब इनकी यहाँ पर यहाँ से शुरू हो जाती है? देखिए इस पूरे जो पांच कन्वीनर हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो भूपेश बघेल भी है, मुकुल वासनिक भी है, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, ये पांचों वरिष्ठ दिग्गज नेता है कांग्रेस के, और अगर उनको जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है तो अलायंस यानी कि जो भी किस तरीके से कांग्रेस जो है दूसरे अन्य घटक दलों के साथ अपना अलायंस करे या किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, और अगर वो तय करते हैं तो इनका जो अनुभव है पांचों नेताओं का वो अनुभव काफी काम आ सकता है कांग्रेस के लिए। और वर्तमान परिस्थितियों में आप देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर कहीं जिम्मेदारी या उनका जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थे, ये इसका पहला कदम है कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो अलायंस कमेटी है यानी जो अलायंस को लेकर कांग्रेस का जो अलायंस अलग अलग गठबंधन दलों के साथ हो या जिस तरह से किस तरह की परिस्थितियां हो, क्या समीकरण हो, किस तरीके से आगे की रणनीति हो, ये कमेटी उस पर सब पे चर्चा कह सकते हैं कि एक सुझाव देगी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को के आदेश पर जो गठित हुई है ये कमेटी, तो चूंकि उनको सुझाव देगी किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह की रणनीति रहनी चाहिए, तो अहम रणनीतिकारों में अब जो है कांग्रेस ने एक तरह से इन पांचों लोगों को, पांचों नेताओं को जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पांचों जो है अब अहम रणनीतिकार के तौर पर कांग्रेस में यहाँ पर शामिल आएंगे और किस तरीके से मजबूत करना होगा और कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं उनके साथ अलायंस हो सकती है, ये एक महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो अब यहाँ पर इन पांचों चेहरों की होने वाली है और जिसमें राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत भी शामिल हैं। इसके साथ साथ में निजाम, अब आपसे जाना चाहूंगी क्योंकि पहले भी विधानसभा चुनाव में भी देखा गया, अभी भी हमने बात की तो मोहन शर्मा हमारे सहयोगी जो है उनका भी कहना था कि जिस तरीके से कर्नाटक में भी अशोक गहलोत जो है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अलायंस को लेकर, तो पार्टी से हटकर भी उनके जो व्यवहार है वो दूसरी पार्टियों के साथ के जो नेता हैं उनके साथ बहुत ही मधुरता के साथ जो है उनके व्यवहार रहे हैं, तो ये एक और स्वभाव हो जाते हैं और साथ के साथ में एक्सपीरियंस्ड भी है, तो ये और ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा पार्टी में अलायंस लाने का।
और इसी वजह से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ठीक है, तो जुड़ने की कोशिश करेंगे निजाम से, लेकिन ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि सामने आई है दिल्ली से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी आईसीसी की तरफ से सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, अब ये तैयारियां जो है वो यहां से शुरू हो चुकी है। नेशनल अलायंस कमेटी का जो है वो गठन किया गया है कांग्रेस की तरफ से, और इसमें कन्वेयर के तौर पर ये 5 नाम शामिल है जिसमें अशोक गहलोत थे।